Hey guys, welcome back to my channel और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में 4D मस्कारा का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है 4D मस्कारा, और मैंने भी जब इनफैक्ट इसका रिव्यू देखा था फेसबुक पे, तो आई वॉज लाइक ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब तो काफी सारी मस्कारा आ गए हैं, बट मैंने जब ये 4D वाला देखा था तो बिल्कुल ऐसा दिखा रहा था जैसे आईलैशेस लोगों की नीचे तक लटक रही हो, बिल्कुल वैसा दिख रहा था। तो वो तो खैर समझ में आ रहा था कि वो फेक ही होगा, बट हाँ कुछ लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी था FB पे, तो मैंने जब वो देखा था तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने सोचा था क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ, और अमेजोन से मैंने इसे परचेज किया है। और इस तरह के पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था फ्रेंड्स। पैकेजिंग जो इसकी आउटर पैकेजिंग थी वो तो मैं फेंक चुकी हूँ। हम बात करते हैं इस मस्कारा की, तो इस मस्कारा का जो नाम है वो है वैबली, वैबली इसका नाम है, और ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है। ये इसका आउटर पैकेजिंग है, ये इसका बॉक्स है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इस तरह की फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लैक कलर की। और मैंने जब इसे ट्राई ऑन किया था, मीन्स जब मैंने इसे लगाया था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था एज़ कम्पेयर टू अदर मस्कारा जो भी हम मेबेलिन एंड ऑल यूज़ करते हैं, उन सबसे मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा, बिकॉज सच में ये एक अच्छा सा इफेक्ट देता है। और लगता है कि हाँ हमारे मतलब आई लैशेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घने लगने लग जाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसका जो बॉक्स है, इसके बॉक्स पे हमें यहाँ पे इसका प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन मिलती है यहाँ पे बैक साइड में, प्लस यहाँ साइड में हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे प्रिंट है। इसकी 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है, और जैसे कि मेरी वाली जो है ये 2019 का इसका प्रोडक्शन डेट है, और इसकी एक्सपायरी जो है वो है 22 की। और ये मुझे अराउंड कुछ मिला था, अभी तो मुझे एग्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं, बट हाँ यहाँ पे इसका जो MRP मेंशन किया गया है वो है 1299 रुपीज़, बट मुझे ये अंडर 500 रुपीज़ ही मिला था अमेजोन पे ड्यूरिंग सेल टाइम। और ये देखिए फ्रेंड्स, मस्कारा जो है अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, ब्लैक कलर की ये बॉटल है और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ये देखिए इसका जो लीड है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और इसे भी हम जब ओपन करते हैं तो जैसे मतलब नॉर्मली जो भी मस्कारा होते हैं बिल्कुल दिखने में ये वैसा ही, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंज है, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है। और लगाने पे ये क्या मैजिक करता है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। जैसा कि अभी मैंने अपने आईलैशेस पे मस्कारा नहीं अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कोई भी मस्कारा अप्लाई नहीं किया, जस्ट आई मेकअप ही मैंने किया है इस समय, और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। वैसे तो मैंने इसे ट्राई किया था, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। लेट्स सी यहाँ पे, और जैसा कि वो वीडियो में बताए गए हैं, बताते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि इसके अगर हम एक अच्छा, अगर हमें लुक्स चाहिए तो हम इसका 2-3 कोट अप्लाई करेंगे तो एक हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए जैसा आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस मेरे इस राइट आइज में और लेफ्ट आइज में। मैंने अभी सिर्फ एक ही कोट लगाया है, ये देखिए मैं आप लोगों को एक क्लोजर लुक देती हूँ। मैंने अभी सिर्फ एक ही सिंगल कोट लगाया है, और आइज में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगर भी लग रही है और आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये काफी अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात कि ये वाटरप्रूफ है, मींस जब तक हम इसे मिसलर वाटर से यानी कि मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करते तब तक ये निकलता भी नहीं है इजीली। ये देखिए आप लोग दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैं बॉटम लाइन पे भी लगा देती हूँ आईज के, ये देखिए फ्रेंड्स आप लोग देखिए डिफरेंस दोनों आंखों में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये है विदाउट मस्कारा और ये है मस्कारा वाला सीरीज, और मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है।
मीन्स काफ़ी आई कैचिंग लग रही मेरी आईज़। आप लोग देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक्स है इसका। मीन्स अभी मैंने ये सिंगल कोट अप्लाई किया है, मे बी अगर शायद हम वैसे तो मैंने जब भी इसे अप्लाई किया मैंने सिंगल कोट ही अप्लाई किया था, मुझे नहीं लगा कि दो तीन लेयर की ज़रूरत है। बट यहाँ पे हम एक बार एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं कि दो तीन लेयर लगाने पे क्या मिलता है हमें रिजल्ट। सो मैं एक और कोट लगाती हूँ इसके ऊपर। सच मुझे कोई चेंज तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो तीन कोट लगाने के बाद में कोई डिफरेंस है, बट हाँ आईज मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कोई ढंग का मस्कारा हमने अप्लाई किया है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। और 4D के नाम पे अब क्या कहेंगे, बट हाँ मस्कारा इज गुड, मुझे इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा है और डिफरेंस आप लोगों के सामने ही है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स मैंने दोनों आईज़ पे मस्कारा अप्लाई कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही आईज़ कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मुझे ये मस्कारा सीरियसली कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ हमें इसमें मिल रही है, प्लस 500 रुपीज़ के अंदर ही आ जा रहा है और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दे रहा है ये देखिए। आईज़ मेरी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब तक मैंने जितने भी मस्कारा यूज़ किए हैं, मैंने काफ़ी सारे ब्रांड के मस्कारा यूज़ किए हैं, बट मुझे हाँ 4D मस्कारा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि चाहे कितना भी समर हो, समर में धूप में गर्मी में स्वेटिंग हो बारिश हो, ये मस्कारा इजीली निकलने वाला नहीं है, मीन्स निकलने वाला ही नहीं है जब तक कि हम इसे खुद मेकअप रिमूवर से रिमूव ना करें, बहुत ही हार्ड है इसे निकालना। तो मेरे लिए तो ये मस्कारा अच्छा है। That's it for today's video. Video अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।